सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्टोक्रेटिक्स, और मैं हूँ अंबुज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा ये लैपटॉप है, सेकेंडरी लैपटॉप है। तो ये मेरा लैपटॉप है, इसमें i3 सेकंड जगह बस प्रोसेसर पड़ा है और 2 GB रैम है। भाई आजकल इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने इसको सोचा है कि कुछ अपग्रेड्स किए जाएँ। तो फ्रेंड्स, इस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्या अपग्रेड हो सकता है और मैं प्रॉपरली बताऊँगा कैसे अपने लैपटॉप को अपग्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्क्रू ड्राइवर लाते हैं, अपने डेस्क पर चलते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है इस लैपटॉप में पॉसिबल अपग्रेड। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा लैपटॉप। ये काफ़ी साल पुराना है, आई थिंक 9 ईयर्स ओल्ड या 10 ईयर्स ओल्ड ये लैपटॉप है। तो इसमें बैटरी मिसिंग है इस टाइम, और इसमें एक एक्सटेंशन स्लॉट खाली है, और इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क है। तो उसको मैं रिप्लेस करूँगा और कुछ न्यू चीज़ें ऐड करूँगा जिससे ये थोड़ा फास्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आइटम अवेलेबल हैं इस टाइम, और उनको इसमें इंस्टॉल करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें लगी है एक DDR3 रैम, एक स्लॉट खाली है अभी इसमें, और ये लगी है हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क। तो जो मेरे पास इस समय अवेलेबल यूनिट्स हैं, तो ये है 2 GB की DDR3 रैम एक पीस, और ये है हमारे पास गीगाबाइट की 2.5 इंच SSD। तो इसको हम जल्दी जल्दी इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये कुछ इस तरह 2 GB की रैम लग जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये रैम लग चुकी है हमारी, और अब हम इससे हार्ड डिस्क एक्सचेंज कर देते हैं। हार्ड डिस्क को मैं चेंज कर देता हूँ, तो मैं इस प्रोसीजर को स्किप कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दी है गीगाबाइट की SSD, और मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा इस PC में वापस से। तो फ्रेंड्स, ये लग चुकी है, और मैं इसके पैनल्स दोबारा से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट पैनल मेरा ये है हार्ड डिस्क का। तो फ्रेंड्स, तो ओवरऑल मैंने जो इसमें हार्डवेयर अपग्रेड कर दिया है वो मैं बाद में भी शो कर दूंगा, फिलहाल मैं बता देता हूँ 2 GB की रैम इसमें मैंने एक्सपेंड कर दी, तो टोटल इसमें हो गई है 4 GB की अवेलेबल मेमोरी। और प्रोसेसर इसमें जो पड़ा है वह इंटेल का i3, और जो रैम हो गई है इसमें वो हो गई है 4 GB, और जो इसमें स्टोरेज हो गया है वो 240 GB की SSD हो गई है। तो अब मैं जल्दी से इसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर लेता हूँ और आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसा है, अब क्या है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना PC तो अपग्रेड कर लिया है, अब मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें PC में चल के दिखा देता हूँ। लेकिन इससे पहले तो मुझे इसकी कुछ स्क्रीन और इस सब में इशू थोड़ा लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ इसमें कुछ हार्डवेयर अलग से ऐड करता हूँ, एक मॉनिटर, एक माउस और एक कीबोर्ड, तो जिससे एक परफेक्ट डेस्कटॉप बन जाएगा। तो इसको अपग्रेड करने के लिए मेरे पास कुछ स्पेयर में पड़े हुए हैं 2 माउस, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो एक नॉर्मल माउस है, एक गेमिंग माउस है विद 7 कलर्स लाइट, तो मैं चूज़ करूँगा, देखता हूँ, तो मैं गेमिंग माउस को चूज़ करूँगा इसमें। और बाकी कीबोर्ड्स में देख लेता हूँ मेरे पास स्पेयर में क्या कीबोर्ड वगैरह पड़ा है। तो हाँ, एक कीबोर्ड मेरे पास स्पेयर में पड़ा है जो कि है ये क्वांटम का एक नॉर्मल कीबोर्ड, ये गेमिंग कीबोर्ड नहीं है, तो इसको ले लेता हूँ। और एक एक्सटर्नल मॉनिटर के लिए मैं HDMI केबल से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या एक्सपीरियंस हमें मिलता है। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मैंने अपना PC अपग्रेड कर लिया है, एकदम लैपटॉप से डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर दिया है। आप भी इसी तरह कर सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है तो एक मॉनिटर की,
एक कीबोर्ड की और एक माउस की। और बाकी अगर हार्डवेयर खरीदने हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ही सेटअप लग रहा है। और अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बंद करके दिखाऊं तो भी काफ़ी अच्छा ये लगेगा देखने में। एक अगर मैं इसको सीपीयू यूज़ करना चाहूँ तो ये एज अ सीपीयू ही यूज़ कर सकते हैं हम। देख सकते हैं आप, एक पूरा हमारा वर्क स्टेशन टाइप क्रिएट हो गया है। और इसमें मैंने विंडोज 10 और कुछ अपने एडिशनल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ ऐसे कंटेंट देखने के लिए मेरा चैनल द टेक्नोक्रेटिक्स सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस।